रुको सर, आपका मास्क कहाँ है? मास्क लगा लीजिए, कोरोना फैल रहा है। अजीब आदमी है, ऐसे आदमियों को तो उठा के अंदर डाल देना चाहिए। अरे भैया जल्दी ले चलो यार, बहुत लेट हो रहा है। सर ओटीपी 696969। बैठो क्या? अरे सर मास्क नहीं लगाया आपने, मास्क लगाओ पहले, उसके बिना कैब में एंट्री नहीं होगी। जल्दी लगा लो, कोरोना बहुत फैल रहा है। लगाओ लगाओ लगाओ, तभी एंट्री होगी। जाओ चलो, लगाओ लगाओ। अरे 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 सर, कहाँ? मास्क के बिना लिफ्ट में एंट्री नहीं है। ज्यादा बकवास मत कर तू। देखिए सर, मास्क के बिना लिफ्ट में एंट्री नहीं है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं। स्लैम, ये गेंद गई है दूर, कोसों दूर, देकर जा। ए साइज, मास्क किधर है तेरा? मास्क लगाने तो मैं काम नहीं करेगी। हाँ अरे मास्क से कुछ नहीं होता, तुम काम करो ना अपना। अपना भी एक उसूल है साहिब, जब तक मास्क नहीं लगाओगे मैं काम नहीं करेगी। वैसे भी कोरोना बड़ा फैल रहा है। हे भगवान। ए साहिब मास्क लगाना, लगा लगा। मास्क लगाओ सर, मास्क 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 लगाओ, मास्क मास्क लगाइए सर, कोरोना फैल रहा है सर, मास्क लगाओ सर, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। सपना था। अरे ये क्या, तुमने मास्क नहीं लगा रखा? ये मैं तुम्हारी चाय यहाँ रख के जा रही हूँ, पी लेना। दोस्तों इस मास्क ने मेरे को परेशान कर रखा है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, और मास्क को लेके आपकी क्या प्रॉब्लम है कमेंट करके मुझे बताओ अभी के अभी। भाई तेरा मास्क किधर है? मास्क लगा लो, भैया मास्क है? हाँ ये रखे देखो। अरे वाह इतने सारे मास्क, ये पार्लर जाने के लिए, और ये ऑफिस जाने के लिए, और ये खाना खाने के लिए, और ये सोने के लिए, और ये ऑफिस से वापस आने के लिए, और ये जॉगिंग पे जाने के लिए, और ये वॉशरूम जाने के लिए, और ये नहाने के लिए। एक काम करो भैया, आप ना ये सारे ही मास्क दे दो। सारे? वाह मौज कर दी तूने तो। अबे बेटा मौज कर दे, देख 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 मौज कर दे। भैया ये जितने भी कपड़े हैं ना, इन सब के मैचिंग का मास्क बना दो, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ मैडम साहब, मास्क बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कितने पैसे लगेंगे? देखो डिस्काउंट लगा के आपको एक मास्क 113 रुपए का पड़ेगा। हे भगवान इतने ज्यादा पैसे, भाई मैं तो नहीं दूंगी इतने पैसे, इतने के तो ये कपड़े नहीं है जितने आप पैसे मांग रहे हो मास्क के। ये सारे कपड़े मैं सरोजनी से उठा के लाई हूँ। अरे मैडम साहब आप पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ तो आप इतने ज्यादा पैसे जो मांग रहे हो, टेंशन ना लूं तो क्या करूं? अरे मैडम साहब मुझे ना एक बहुत बढ़िया फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप मिली है माई 11 सर्कल के नाम से, जिसके अंदर आप क्रिकेट की नॉलेज से 1 करोड़ रुपए तक जीत सकती हो। अच्छा वो कैसे? अरे माई 11 सर्कल के अंदर आपको खेल रही 2 टीम्स के प्लेयर को चूज करना है, जिससे आप अपनी 11 प्लेयर्स की टीम बना सकती हो। और सबसे बेहतरीन बात मैडम साहब, इसके अंदर आप गांगुली सर, लक्ष्मण सर, रहाणे, वॉटसन, राशिद जैसे चैंपियंस के साथ भी खेल सकती हो। अरे वाह। हाँ मैडम साहब, और अभी तो इंडियन T20 और पता नहीं कौन कौन से क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, और माई 11 सर्कल का अगर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे तो बहुत सारा कैश प्राइज, 1 करोड़ रुपए हर हफ्ते पाने का मौका, और 1500 रुपए का वेलकम बोनस तो है ही है। अरे वाह ये तो बहुत सही है, मैं भी अब से माई 11 सर्कल पे टीम बनाऊंगी। हाँ जी बिल्कुल, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माई 11 सर्कल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको यूज करने से एक्स्ट्रा 20% कैश मिलेगा। अब तो पूरे पैसे दोगे ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी, आप पहले मास्क तो बनाओ। हाँ हाँ मैडम साहब क्यों नहीं, शाम तक आपको आपका सारा काम कंप्लीट मिलेगा। घंटा पूरे पैसे दूंगी, एक बार ये मास्क तो बना दे, उसके बाद 100 रुपए इसके मुंह पे फेंक के मारूंगी। बड़ा आया। मैं बेचारा किस्मत हारा तावी करदारिया,
मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ। गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद, 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 गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद। अरे बबुलिया जीते रहो माला उठा रहा हूँ। अरे गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद, गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद, गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद, गवर्नमेंट पार्टी जिंदाबाद। अरे रे वाह कॉमन मैन पार्टी, ओहो क्या फोटो आई है मेरी। अरे बम 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 पावली तरेड़ एमएलए उम्मीदवार। अरे ये क्या कह तूने? अरे मेरा नाम बबली तरड़े है, बबली तरड़े नहीं। वो बबली भैया मेरी गलती नहीं है, वो प्रिंट वाले ने मिस प्रिंट कर दिया, उसको जाके मैं बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं। अरे कॉमन मैन पार्टी जिंदाबाद, कॉमन मैन पार्टी जिंदाबाद, कॉमन मैन पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बबली तरड़े जैसा हो, बबली भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? हो गया डन? हाँ हाँ रेडी रेडी। ओके चलो। जिंदाबाद बबली भैया, जिंदाबाद बबली भैया, जिंदाबाद बबली भैया, जिंदाबाद। अरे रुको रुको रुको, अरे आप तो वही हो ना बावली तरेड़? अरे नहीं मैडम, मेरा नाम है बबली तरड़े, वो तो मिस प्रिंट हुआ हुआ है। Whatever. So, tell me sir, what's your plan? Why are you in politics? Very nice kitchen. Next question please. अरे बबली भैया ये पूछ रहे आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हो? अच्छा अच्छा पॉलिटिक्स में हम क्यों आए हैं? अरे पॉलिटिक्स में हम आए हैं पैसा कमाने के लिए। देखिए विकास कार्य में जो एमएलए को पैसा मिलता है उसमें 32% तो एमएलए का होता ही है। इसके अलावा अधिकारी हमें बताएंगे कि पैसे कैसे कमाएंगे, हमारे दोस्त हमारे यार हमें बताएंगे कि पैसा कैसे कमाएंगे। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं आपको बताऊँ पैसा कैसे कैसे कमाएंगे। तो क्या कमाना है हमें? पैसा। देखिए मैडम ये सब हो गया आज तक, और आप इंतजार कीजिए कल तक। चाय बड़ी फिक्की बनाई है यार। अरे वो सब छोड़ तू, वो देख रैली चल रही है वहाँ इलेक्शन की, और किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। पता नहीं है इलेक्शन के टाइम पे रैलियों के टाइम पे कोरोना क्यों नहीं फैलता, समझ में बात नहीं आती। हाँ भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, यहाँ बैठे आराम से चाय पी रहे हैं, और वहाँ इलेक्शन की रैली चल रही है, रैली देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसको वोट दें किसको ना दें। अरे वोट तो देता रही हो, पहले चलान मलो दोनों के दोनों 2000 रुपए का। सर चलान? चलान किस बात का? अरे मास्क का चलान। सर ये लगा तो रखा है मास्क दोनों ने वो भी। अरे मास्क थोड़ी पे नहीं लगाया जाता, मुंह पे लगाया जाता है, यहाँ तक नाक तक मास्क होना चाहिए, नाक तक। लेकिन सर नाक तक मास्क कैसे लगाएंगे, चाय पी रहे हम सर, मास्क लगा के चाय थोड़ी ना पियेंगे। वो तुम दोनों की दिक्कत है, देखो तुम्हारी वजह से 100 आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे उसका कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पर दोनों के दोनों कोरोना फैलाने लग रहे और लोगों को बीमार करोगे तुम बेशरम आदमी। चलो दोनों के दोनों चलान मारो। अरे सर लेकिन हम तो बस यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। सर आप वहाँ पे देखो, उस रैली में किसी ने मास्क नहीं लगा रखा सर, वहाँ कितने लोग हैं? आप ये सोचो ना उन लोगों की वजह से कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोगों को कोरोना फैलेगा। सर आप हमें क्या बोल रहे हो? सर वहाँ जाके उनका भी तो चलान काटो ना। इलेक्शनों में कोरोना नहीं होता, रैलियों में कोरोना नहीं होता। और तू जानता है कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएगा ना तो अंदर बिना चार्ज के सड़ जाएगा, करियर खराब हो जाएगा तुम दोनों का। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अभी इन लोगों की वीडियो बनाता हूँ और इंटरनेट पे पोस्ट करूंगा, फिर देखना चलान क्या, सीधा जेल में जाएंगे सारे जेल में। अरे भाई ध्यान से देख, वहाँ पे न्यूज चैनल वाले भी हैं, कैमरा भी है, रिपोर्टर भी है, इस रैली की लाइव टेलीकास्ट हो रही है पूरे देश में, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो बड़े आदमी हैं, दोनों को दोनों चुपचाप चलान कटवा लो। पैसे भी नहीं है यार, चलान कहाँ से भरेंगे? साहब जी, जनाब जी ने 200 का टारगेट दिया था आज का, पूरा हुआ है नहीं? अरे भाई 199 बार काट रहा हूँ, बस एक और बकरा मिल जाएगा, उसे काटने के बाद सारे घर चलेंगे अपने। हाँ तो ठीक है ना सर,
199 वाला चलान मैं भरता हूँ, लेकिन 200 वाला चलान ये भरेगा। है? ये क्यों भरेगा भाई चलान? तू पुलिस वालों का चलान कटवाएगा? हाँ सर, वीडियो बना लिया मैंने इसकी, बीड़ी पी रहा है, इसका मास्क कहाँ पे है? इसका चलान भरवाओ सर, तब हम चलान भर देंगे, डबल दूंगा चलान, डबल। मैं तो ट्रिपल दूंगा। लेकिन पहले इसका चलान भी भरवाओ सर, इसके बीड़ी पीने से, इसके मास्क ना लगाने से पब्लिक प्लेस में कोरोना नहीं फैलता क्या? हमारे से ही कोरोना फैल रहा है बस। अब ये वीडियो फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, 2 मिलियन फॉलोवर है, और यूट्यूब पे भी पोस्ट करूंगा, 6.5 मिलियन फॉलोवर है। इतनी वायरल होएगी ना वीडियो, इसकी इसकी क्या, तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा, तुम सबकी। सर ये लोग तो समझदार लग रहे हैं, फालतू चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, मैं कहता हूँ ऐसे चलते हैं। सही कह रहा है, नौकरी भी तो प्यारी है। ठीक है, इस बार तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना, ठीक है, चलो। अरे लेकिन भाई तू तो फेसबुक चलाता ही नहीं है। अरे तो इनको कौन सा पता लग रहा है? कॉमन मैन को हमारी जरूरत है, कॉमन मैन टेंशन में है, कॉमन मैन को हमारी बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत है, हम कॉमन मैन की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं कॉमन मैन की सहायता करके। मैडम इंटरव्यू, हेलो। अरे 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 माय डियर कॉमन मैन, मेरे वोटर, मेरे सपोर्टर, मैं आपका प्रिय नेता बबली तरड़े वो मिस प्रिंट हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैं देख रहा था कि आपको वो पुलिस वाला मास्क ना लगाने में परेशान कर रहा था। देखिए इस चीज की मैं बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि ये चीज जो हमारे कॉमन मैन को परेशान करती है, उस परेशानी के खिलाफ हम खड़े हैं, इसका मैं विरोध करता हूँ। देखिए ये सब जो है ना, ये विपक्ष की चाल है, ये पाकिस्तान समर्थक लोग जो है ना, वो ये चीज लेकर आए हैं। देखिए जब हमारी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, तो हम ये कोरोना वायरस की वजह से जो चलान कट रहा है मास्क का, वो पूरा हटा देंगे, क्योंकि इससे कॉमन मैन परेशान हो रहा है, और हमारी पार्टी कॉमन मैन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आई है। तो आपको क्या करना है, कॉमन मैन पार्टी को ही वोट देना। वोट दोगे ना? जरूर दोगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर देंगे, जरूर वोट देंगे। देखिए मतदान वाले दिन आप कोरोना वायरस के बटन को दबाकर हमें, अपने प्रिय नेता को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। अबे इस नेता को कौन समझाए, वोट तो तब डालेंगे ना जब वोटर आईडी होगी, मेरा तो वोटर आईडी नहीं बना, घंटा जीतेगा ये मेरी वोट से। अरे भाई तेरा वोटर आईडी नहीं बना, मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं बना, मैं तो बांग्लादेश आया था, रोहिंग्या हूँ मैं तो, रोहिंग्या। साले भाग भाग यहाँ से, चल भाग भाग। साला रोहिंग्या निकला ये तो। मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या तो बस बाकी है। अबे यार कहाँ रह गई ये, हमेशा लेट कराती है, इसका हमेशा का यही है, ऑफिस के लिए कितना लेट हो रहे हैं। परेशान कर दिया इसके माँ और इसके बाप ने, दोनों ने मिलके दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सारा दिन बस काम 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 काम। तो सारा दिन इनके घर का काम करो, ऊपर से इनके ताने भी सुनो। हे भगवान, क्यों शादी कर ली मैंने इस घर में, और ये तो कुछ बोलता भी नहीं है। क्या हो गया, कहाँ रह गई थी, इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? परेशान आ चुकी हूँ मैं तुम्हारे घर वालों से और तुमसे भी। तुमसे आकर कुछ बोलो तो मेरी सुनते नहीं हो, तुम भी उन्हीं की साथ लेते हो। तू ज्यादा बकवास मत कर, टाइम देख, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, चल जल्दी। बकवास कर रही है। अबे वो देख पुलिस वाले, मास्क लगा जल्दी, मास्क लगा। नहीं लगा रही, क्यों लगाऊं, दम घुटता है मेरा। अरे मास्क लगा ले, चलान काट देंगे यार, जल्दी मास्क लगा ले। हाँ तो भर दे जाना, वैसे भी बड़े रईस बनते फिरते हो, बड़ी साइड लेते हो ना अपनी माँ की, जाओ उन्हीं से भरवाना चलान। अबे लगा लेना यार, तेरा क्या चला जाएगा, क्यों नहीं लगा रही? मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे कान में दर्द होता है। एक तो सारा दिन घर में तुम्हारे घर वालों के ताने सुन के अपने कान के अंदर दर्द करवाओ, उसके बाद बाहर आके मास्क लगा के कान के बाहर दर्द करवाओ, मैं नहीं लगाऊंगी। अबे 2000 चले जाएंगे फालतू में। अच्छा एक काम कर, 500 रुपए तू रख ले,
एटलीस्ट घर के पैसे घर में तो रहेंगे ना, उनको तो नहीं देने पड़ेंगे। लगा ले चल मास्क लगा ले। अच्छा बड़े चालू बनती हो। नहीं लगाऊंगी तो नहीं लगाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं लगाऊंगी। अच्छा ये बता मैं क्या करूँ, ये देख हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे सामने, मास्क लगा ले। बता मैं क्या करूँ, क्या करके मास्क लगाएगी तू यार। सॉरी बोलो, हर एक चीज के लिए सॉरी बोलो, अपनी मम्मी के लिए सॉरी बोलो, अपने पापा के लिए सॉरी बोलो, और तुम अपने लिए सॉरी तो बोलोगे ही। चलो अच्छा ठीक है ले, मेरी माँ हाथ जोड़ लिए, सॉरी बोल रहा हूँ तेरे को, अब लगा ले मास्क। ऐसे नहीं, तमीज से और इज्जत के साथ सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है बेबी, आई एम सॉरी, अब लगा लो प्लीज। देखो मास्क, मम्मी के लिए सॉरी, पापा के लिए सॉरी, मेरी गलतियों के लिए सॉरी, जो गलती मैंने करी नहीं करी उनके लिए सॉरी, जो गलती आगे आने वाले टाइम में मैं करूंगा उनके लिए सॉरी, और जो गलतियां तुमने करी उनके लिए भी सॉरी। प्लीज मास्क लगा लो। अच्छा इसका मतलब मेरी गलती है? नहीं बेबी, तुमने कोई गलती नहीं करी, ये जो मैंने गलती से बात बोली इस गलती के लिए भी सॉरी बेबी, प्लीज ये तुम मास्क लगा लो, ये लो। साल कड़ी। अरे एक और बकरा आ गया, चल आइए आइए हट जा भाई। आज तो मास्क रे साहिब। अरे यार दोनों ने पहन रखा है। चलो चलो जाओ तुम जाओ। अरे यार लगता है आज का टारगेट पूरा हो ही नहीं पाएगा, किस्मत ही खराब है अपनी तो। हाँ भाई किस बात की सॉरी, गई पुलिस आई बड़ी सॉरी सुनेगी। अच्छा कोई बात नहीं, आगे भी मिलेंगे पुलिस वाले, तब देखती हूँ कैसे लगवाते हो। अरे बेबी मजाक कर रहा हूँ यार, तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा। इस मास्क को लगा लो। चलो मजाक भी नहीं समझती यार तुम मेरा, लगा लो मास्क। अंकल मास्क दे दो एक। अंकल ये नहीं सस्ते वाला दो, ये तो बहुत महंगा है। यही ले ले, ये अच्छा है, काफी दिन चलेगा। अरे आप 5 रुपए वाला दो ना, वो सस्ते वाला, उसको ज्यादा दिन में अपने आप चला दूंगा। तो फिर यो ले ले। हाँ ये है ना बढ़िया, ये लो 5 रुपए। ले भाई वीरे बन गई गल। अबे यार इतने गंदे जूते। अरे ये मास्क किस दिन काम आएगा। ले भाई वीरे बन गई गल। फोन चार्ज लगाता हूं। अरे यार इसको रखूं कहां पे, लेकिन अरे यार कहां रखूं इसको। आइडिया, ये मास्क कब काम आएगा। ले भाई वीरे बनगी गल। ले भाई वीरे बनगी गल। अरे यार 1 साल हो गया इस मास्क को। अरे लेकिन अभी तो और चलेगा ये। थोड़े कान खींच रहे हैं लेकिन काम तो चल ही जाएगा। ले भाई वीरे बनगी गल। चलो थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ।
अबे यार, एक साल हो गया इस मास्क को, इतने सारे छेद हो गए इसमें। पर कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। टेप लगाता हूँ ना इस पे। तो बर रहा है। ले भाई वीरे, बन गई गल। अरे भाई, कोरोना इसका क्या ही बिगाड़ लेगा, कितना लिचड़ और सुगला इंसान है ये। अब ये मास्क कम से कम एक साल और चलेगा। इंटेलिजेंट हूँ मैं वैसे। चलो भाई, मेरे को घिन आ रही है, यहाँ से चल तू। अब आप जरा इनसे मिलिए, ये महाशय कभी मास्क हटाते ही नहीं है। चलो अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, ठीक है। मम्मी, मास्क कहाँ पे आपका? अरे बेटा, घर में कौन मास्क लगाता है? मम्मी, कोरोना ना घर में भी आ जाता है, ठीक है, मास्क लगा लो। बेबी, आसपास कोई भी नहीं है, एक किस करे। एक मिनट, मास्क कहाँ पे है तुम्हारा? अरे मास्क लगा के कौन किस करता है? अच्छा, कोरोना करेगी। मास्क लगा, पकड़, मास्क लगा, लगा इसे। अब आजा, आजा, आजा। ओ भाई, तेरा मास्क कहाँ पे है? अबे इतना कोरोना फैल रहा, मास्क लगा ले, लगा इसको। क्या होगा भाई? मास्क कहाँ है तेरा? कितना कोरोना फैल रहा है, मास्क लगा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कोरोना की महामारी पूरे संसार से जा चुकी है। अब हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। लाख लाख शुक्र है भगवान का, यह महामारी टल चुकी है। मैं सतान राहुल, कैमरामैन ट्राइपॉड के साथ, कल तक, धन्यवाद। चलो भाई, इतने टाइम के बाद आखिरकार ये कोरोना काल खत्म हुआ, अब फुर्सत से बिना मास्क के घूम सकते हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अबे तो बंदर लग रहा है। टैनिंग होगी, टैनिंग। बंदर टैनिंग होगी इसका तो। टैनिंग होगी तेरे को, टैनिंग। अब मैं कहता था मास्क लगा के घूमो। अरे कहाँ रह गए यार, ये लोग हमेशा लेट कराते हैं। इतना लेट करा दिया, वो अंडे वाला रेडी बंद करके चला जाएगा यार ऐसे तो। और भाई क्या हाल है, चला चलते हैं। अरे एक मिनट भाई, चल तो लेंगे, लेकिन ये क्या है, ये मास्क क्यों लगा रखा है तुमने? हटाओ यार इसे, जल्दी हटाओ। अरे भाई, पता नहीं है कि कोरोना फैल रहा है, इसलिए तो मास्क लगा रखे है। और भाई, 2000 के चलान कट रहे हैं, मेरे पास तो पैसे वैसे ही नहीं होते, तेरे को पता ही है। भाई मान लिया तुम्हारी बात, कोरोना फैल रहा है, लेकिन इस मास्क से कुछ नहीं होगा, कोरोना को होना होगा ना, वो वैसे भी हो जाएगा। ये मास्क चोचले हैं, चोचले, हटाओ इसे जल्दी, अगर मेरे साथ चलना है तो हटाओ। अरे नहीं भाई, जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, चलान काटे मास्क का और मारते अलग है। अरे चलान से क्या डरता है, पुलिस वालों से डरता है तू? अरे भाई मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैंने लगाया मास्क, मैंने लगाया, तू बता मैंने लगाया मास्क, तू बता मैंने मास्क लगाया। अबे स्टाफ चलता है अपना, सारे महकमो में। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। ये करी ना तूने बात, बढ़िया। अरे तू भी हटा। अरे उतार दे, उतार दे, मैं जानता हूँ इसको, फुल बातचीत है इसकी, बचा लेगा हमको पक्का। मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई। अब करी ना तुमने भाइयों वाली बात, अब चलो अंडे खाने। ओ भाई देख, पुलिस वाले खड़े। हाँ तो पुलिस वाले हैं,
खड़े रहने दे, क्या दिक्कत है, देख लेंगे है ना, चलो। ऑफिसर अटेंशन। आइए आइए। हाँ भाई, मास कहाँ है? चलान कटेगा तुम दोनों का। अरे दोनों का कैसे कटेगा, चलान कटेगा तो तीनों का कटेगा। और चलान कटेगा ही क्यों, स्टाफ चलता है भाई का हर महकमे में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, काम का तुम्हारी नौकरी और चली जाएगी, तुमको नौकरी प्यारी नहीं है क्या? क्यों भाई रचित, बता इनको। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे तुम दोनों ने मास्क नहीं लगाया? भाई कितनी बार बोला मैंने तेरे को, मास्क लगा ले, मास्क लगा ले, तेरे को भी बोला भाई मास्क लगा, तूने मास्क क्यों नहीं लगाया भाई? भाई तेरे को पता नहीं क्या कोरोना कितना फैल रहा है, कहाँ है भाई मास्क? सर सर मैंने इन दोनों को बहुत बार बोला मास्क लगा लो, मैंने भी लगा रखा है मास्क लगा लो, लेकिन सर इन्होंने ना मेरी एक बार भी नहीं सुनी। सर आजकल ना सर भलाई का जमाना ही नहीं है, अच्छे दोस्तों को तो कोई पूछता ही नहीं है सर। हाँ भाई कुछ कहना है तुम दोनों को अपनी सफाई में? अरे सर ये दोनों क्या कहेंगे, अब तो ये डंडा बोलेगा, मुर्गा बना, मास्क नहीं लगाएगा, कोरोना गलाएगा। स्टाफ चलाएंगे ये, और मारो सर इनको, गिरा गिरा के मारो सर, मुर्गा बना के मारो। ये स्टाफ चलाएगा। साला धोखेबाज अलाउद्दीन खिलजी, आपको लग रहा होगा मैंने इनके साथ गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने मेरा ब्रेकअप कराया था पिछले साल मिलके दोनों ने, तो बदला लेना तो बनता ही है ना। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई, ओ बेटा माफ कर दे, दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करो और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट मेरे को जरूर बताओ, और कमेंट करके ये भी बताओ कि सबसे रिलेटेबल पार्ट कौन सा था वीडियो का। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर एक्स्ट्रा 20% कैश। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क।